गुजरात चुनाव के दूसरे राउंड के लिए आज बीजेपी के मेगा प्रचार का दिन। बीजेपी के दिग्गज आज अलग अलग जगहों पर रोड शो और जनसभाएं कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में हैं। वहीं कांग्रेस के लिए आज अशोक गहलोत और मल्लिकार्जुन खड़गे चुनावी रण में हैं। गुजरात चुनाव के लिए पहले फेज की वोटिंग कल होगी और इसके साथ ही 788 कैंडिडेट्स का भविष्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। दिल्ली के शराब घोटाला केस में ईडी की कार्रवाई जारी। ईडी ने गुरुग्राम से अमित अरोड़ा नाम के एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। अमित बीजेपी के स्ट्रिंग में भी दिखाई दिए थे और एफआईआर में इसका नाम सिसोदिया के करीबी सहयोगी के रूप में दर्ज है। इससे पहले सीबीआई ने भी अमित अरोड़ा से पूछताछ की थी। अमित अरोड़ा की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने ट्वीट कर आप पर अटैक किया है। बीजेपी ने कहा कि जल्द ही जेल में सत्येंद्र जैन के साथ सिसोदिया भी दिख सकते हैं। शजा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफी के बाद नार्को टेस्ट की तैयारी। कल रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में आफ्ताब का नार्को टेस्ट होना है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। इन सब के बीच आफ्ताब की दूसरी गर्लफ्रेंड ने भी कई खुलासे किए हैं। श्रद्धा के मर्डर के बाद वो कई बार आफ्ताब के फ्लैट पर गई थी, लेकिन इस दौरान आफ्ताब बहुत ही सामान्य व्यवहार कर रहा था। अब आफ्ताब का वैशी चेहरा सामने आने के बाद उसकी साइकेट्रिस्ट गर्लफ्रेंड शॉक्ड हो गई है और पुलिस भी उससे विक्टिम की तरह ही ट्रीट कर रही है। कानपुर से समाजवादी पार्टी के फरार विधायक इरफान सोलंकी के मुंबई पहुंचने की सूचना। इससे पहले इरफान दिल्ली एयरपोर्ट पर देखा गया था, जब उसके तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई थी। कानपुर में इरफान की बहन उज्मा समेत कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। इन सभी पर इरफान को भगाने में मदद करने का आरोप लगा है। दरअसल कानपुर में एक महिला के घर में हुई आगजनी की एफआईआर में इरफान समेत 6 लोगों के नाम है। गिरफ्तारी से बचने के लिए इरफान एक शहर से दूसरे शहर भाग रहा है। यूपी के बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। जरवल रोड इलाके में रोडवेज बस को ट्रक से साइड में टक्कर मार दी गई थी और इस हादसे की वजह से कोहरा बताया जा रहा है। ईदगाह डिपो की बस लखनऊ से बहराइच जा रही थी और हादसे के बाद बस में फंसे लोगों को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला और CHC मुरादाबाद में भर्ती कराया गया है। 5 की हालत गंभीर है, जिन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिरोजाबाद में एक इमारत में भीषण आग लग गई। आग में फंसकर एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि परिवार के 3 सदस्य घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। जिस मकान में आग लगी उसमें नीचे दुकान है और ऊपर लोग रहते हैं। आग इतनी तेजी से फैले कि फायर ब्रिगेड की टीम को उसे बुझाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सीएम योगी ने घटना पर दुख जताते हुए परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। पंजाब पुलिस ने BSF के साथ चलाए ज्वाइंट ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल की है। फिरोजपुर में चलाए गए ऑपरेशन में पंजाब पुलिस ने 13 किलो हेरोइन बरामद की है। बरामद हेरोइन की कीमत मार्केट में 65 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस को हथियारों का एक जखीरा भी मिला है। पंजाब के DGP गौरव यादव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इस ज्वाइंट ऑपरेशन में 5 AK-47 राइफल, 5 पिस्टल और 9 मैगजीन बरामद हुई हैं। हरियाणा के अंबाला में पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स को बड़ी सफलता हाथ लगी है। STF ने राजस्थान से लाई जा रही 13 क्विंटल से ज्यादा चूरा पोस्त बरामद की है। साथ ही में पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए एक आरोपी तरसेम सिंह पर पहले से ही NDPS एक्ट के तहत केस चल रहा है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। STF के मुताबिक खुफिया जानकारी मिलने पर नाकेबंदी कर ड्रग्स को बरामद किया गया। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में अभिनेत्री रवीना टंडन का जंगल सफारी विवादों में घिर गया है। रवीना टंडन पिछले सप्ताह अपनी बेटी के साथ टाइगर रिजर्व गई थी। वहां रवीना टंडन अपनी जिप्सी को एक बाघ के काफी करीब ले गई और खुद जिप्सी पर खड़ी होकर वीडियो बनाने लगी। जिप्सी को पास देख बाघ घबरा गया और विचलित होकर दहाड़ मारते हुए नजर आया। इसके बाद वहां से वो निकल गया। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं। पुणे में NDA की पासिंग आउट परेड हुई है। नौसेना प्रमुख एडमिरल R. हरि कुमार ने परेड की सलामी ली। NDA से पास आउट होने के बाद कैडेट सशस्त्र बलों की अकेडमी में जाएंगे और 1 साल की प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग के बाद ऑफिसर बन जाएंगे। इस मौके पर एडमिरल R. हरि कुमार महिलाओं की नेवी की दिलचस्पी को लेकर बोले। उन्होंने बताया कि 3,000 वैकेंसी के लिए 10 लाख आवेदन में से 82,000 महिलाओं ने किया है और नेवी की सभी ब्रांचों में महिलाओं की नियुक्ति हो रही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।